हेलो दोस्तों, मेरा नाम है माइकल और आप देख रहे हैं माइकल वीडियो आई टेक। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ्लाइट टिकट अगर आपने ऑनलाइन बुक किए हो और किसी प्रॉब्लम के वजह से आप कैंसिल करना पड़ रहा है, तो आसानी से आप कैंसिल कैसे कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको एक छोटा सा ज़रूरी जानकारी बता दूँ, देखिए, अगर आप कभी भी फ्लाइट टिकट ऑनलाइन बुक करने जा रहे हो किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से, तो उसमें आप प्राइवेसी पॉलिसी को ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि कैंसिल करना पड़ सकता है तो हमें रिफ़ंड मिलता है या नहीं मिलता है, वो हमें रिफ़ंड देता है कि नहीं, और देता भी है तो कितना परसेंट देता है, अगर नहीं देता है तो इसके बारे में आप ज़रूर जान लीजिएगा। उसके बाद आप फ्लाइट टिकट बुक कीजिएगा। और फ्लाइट टिकट बुक करने के बाद अगर आपने कैंसिल करना पड़ रहा है तो आप कैंसिल करेंगे तो आपको रिफ़ंड मिलता भी है तो बहुत ही कम मिलता है दोस्तों, बहुत ही परसेंट, मतलब ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही काट लेते हैं वो लोग और हमें रिफ़ंड में थोड़ा कम देते हैं या तो देता भी नहीं है। इसीलिए जितना हो सके फ्लाइट टिकट कैंसिल करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि फ्लाइट का टिकट आसानी से कैसे कैंसिल कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, मैं कैंसिल करने जा रहा हूँ एक फ़्लाइट की टिकट जो कि मेरा दोस्त का है, और देखते हैं वो हमें रिफ़ंड देते हैं या नहीं। तो आगे इस वीडियो में आप देखिए जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि अगर आपने मेरे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल की घंटी को भी दबा दीजिए, और आपको पता है बेल की घंटी क्यों दबाना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है, और क्रोम ब्राउज़र ओपन करके यहाँ पर मैं टाइप करूँगा इंडिगो, उसके बाद सर्च करूँगा। ओके, इंडिगो टाइप किया मैंने, सर्च किया और इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको डेस्कटॉप साइड मोड कर लेना है ताकि कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ जाएगा पूरी डिटेल। ओके, डेस्कटॉप साइड खोलने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएंगे, उसके बाद यहाँ देखिए इंडिगो ऑनलाइन फ्लाइट बुकिंग फॉर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ओके, आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जो कि देखिए पहला है बुक फ्लाइट, चेक इन, फ्लाइट स्टेटस, एडिट बुकिंग, अपडेट कनेक्टेड, डिटेल्स, व्यू। ओके, तो हमें फ़्लाइट टिकट कैंसिल करना है तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर आएंगे, यहाँ एडिट बुकिंग पे आपको क्लिक करना है। आपको फ्लाइट कैंसिल करना है तो एडिट बुकिंग पे क्लिक करना है, और यहाँ पे पीएनआर नंबर डाल देना है, जो कि टिकट का बुकिंग आईडी होता है 6 नंबर का, वो पीएनआर आईडी यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए, मैं यहाँ पे मैंने पहले से कॉपी कर रखा था तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे और सेकेंड ऑप्शन में है ईमेल, ईमेल, तो चलिए यहाँ पे मेरा ईमेल ही डाल देता हूँ ताकि कैंसिल के बाद ईमेल आएंगे तो कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ इस तरह की, तो इस ईमेल पे आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डालता हूँ और गेट इटर्नेटी पे क्लिक करता हूँ। को गेट इटिनरी में क्लिक करना है, और ये देखिए इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। उसके बाद ये देखिए, जैसे गेट इटर्नरी पे क्लिक किया तो ये वाली पेज ओपन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कंफर्म कंप्लीटेड, और आपको क्या करना है, अभी फ़्लाइट कैंसिल में आपको क्लिक करना है, यहाँ कैंसिल फ्लाइट में क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा आर यू श्योर यू वॉन्ट टू कैंसिल फ्लाइट, तो हमें यहाँ पर येस कर देना है। ओके, जैसे यस करेंगे इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। ये देखिए इस तरह का पेज ओपन हो गया है। अब आपको थोड़ा नीचे आना है, नीचे आने के बाद ये कंफर्म हो गया है देखिए इटर्नरी, तो आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको सेलेक्ट और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे सेलेक्ट और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिनिश का ऑप्शन है, लास्ट आपका कंडीशन ऑप्शन है वो फिनिश। ओके, आपको यहाँ पे फिनिश में क्लिक कर देना है। देखिए फिनिश पे क्लिक करने के बाद आपको क्या होता है, देखिए ये देखिए कैंसल्ड। ओके, मेरा ये कंप्लीट हो गया है, मेरा कैंसल फ्लाइट टिकट कैंसिल मेरा कंप्लीट हो गया है। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए कितना काट रहा है, रिफ़ंड अमाउंट मुझे 1758 मिल रहा है, कैंसिल फीस कितना लिया उन्होंने 3000, मतलब 4758 था, तो उन्होंने काट कूट के 3000 रख लिया है।
देखिए आप यहाँ स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, मेरा ईमेल में स्क्रीनशॉट, मेरा ईमेल से मैंने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे दिया हूँ। देखिए आप यहाँ पे टोटल डिडक्शन को कितना लिया है, उन्होंने 3,000 रुपया काट लिया है कैंसिलेशन का, और रिफंड कितना मिला मुझे अमाउंट वापस 1,758, यानी 4,758 का टिकट था तो उन्होंने कैंसिल करने की फ़ीस 3,000 रख लिया दोस्तों, तो कितना नुकसान है देखिए। तो इसीलिए फ़्लाइट टिकट अगर बुक करते हो तो कैंसिल करना ही मत, क्योंकि हमें कुछ फ़ायदा नहीं होता है वहाँ पे, उन्होंने सब रख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो यही था आज की वीडियो, आपको आई होगा आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह की जानकारी की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।